नाम की महिमा हो। आज फिर एक बार परमेश्वर आपके सामने प्रभु की वचन के द्वारा कुछ बात करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आप सब इस पवित्र वचन को ध्यान से सुने ताकि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज के समय में परमेश्वर आपके जीवन में आशीष अनुग्रह देने पाए और आपको प्रकाशित देने पाए ताकि परमेश्वर को राज्य में परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए आप अपने आप को तैयार कर सके। आप मेरे साथ पवित्र शास्त्र को खोलें, सभा उपदेशक की बुक है उसकी 7वां अध्याय 13वां वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है इस वचन में लिखा है परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर जिस वस्तुओं को हमारा परमेश्वर टेढ़ा किया है उसको कोई सीधा नहीं कर सकता है। कौन उसको सीधा कर सकता है? आज हम इस वचन के अनुसार परमेश्वर के काम पर दृष्टि करने की आवश्यक है। सुलेमान के बारे में बाइबल में आप देख सकते हैं दाऊद का पुत्र सुलेमान ने परमेश्वर से ज्ञान बुद्धि मांगा है। प्रभु ने बोला है तुमको जो चाहिए मांगे मैं देगा करके प्रभु ने वादा किया है। उसने परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान मांगा करके बाइबल बतलाती है। इस सुलेमान ने सब कुछ उसने अपने जीवन में किया है, उसकी समय में जो करना है सब कुछ उसने देख लिया है। उस सुलेमान ने इस वचन में लिखा है उसकी बारे में लिखा है परमेश्वर के काम पर दृष्टि करना है। अगर प्रभु के काम के ऊपर बाकी सब काम उसने देखा है उसके बारे में आप और भी बाइबल में पढ़ सकते हैं। सभा उपदेशक की बुक है 2वां अध्याय 11वां वचन को पढ़ेगा तो वो खुद अपने बारे में बता रहा है। पढ़ेंगे 2वां अध्याय 11 को हम पढ़ेंगे। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को मेरे हाथों में मैं जो कुछ किया है वो कामों को मैंने देखा है और अपने सब परिश्रम को देखा तो क्या देखा सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं नेक्स्ट वचन भी आप पढ़े लिखा है फिर मैंने अपने मन को मोड़ा है कि बुद्धि और भालेपन और मूर्खता के कार्यों को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा केवल वही जो होता है चला आया है। बुद्धि के बारे में सुलेमान अच्छा सा उसको परमेश्वर ने बुद्धि दिया है। उसने बोला है मैंने मेरे हाथों में जो कुछ किया है जो मैं करके आया हूं उसको मैं देख रहा हूं सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ कुछ भी काम का नहीं है। इसलिए उसने बोल रहा है परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर करके बोल रहा है क्यों प्रभु के काम पर दृष्टि करने की आवश्यक है। परमेश्वर के काम के ऊपर दृष्टि करने से उसको पता चलेगा हमारे जीवन में और क्या कर सकते हैं। और भी उसने अच्छा सा और एक वचन भी आप देख सकते हैं दूसरा बुक में सेम सभा उपदेशक की दूसरा बुक है उसकी 22 और 26 हम पढ़ेंगे 22 से लेकर 24 तक हम पढ़ेंगे। मनुष्य तो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है उससे उसको क्या लाभ होता है उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता है यह सब कुछ व्यर्थ है। सुलेमान ने सब कुछ देख लिया है उसके पास जो है कोई नहीं बोल सकते इतना उसके पास प्रभु ने दिया है। बाइबल में लिखा है उसने बहुत कुछ परमेश्वर से मिला है। उस व्यक्ति ने बोल रहा है मनुष्य के जीवन में ये जो कुछ करे हमारे जीवन में सब कुछ व्यर्थ है करके बोल रहा है। इसलिए उसने एडवाइस देता है परमेश्वर के काम पर दृष्टि करना है।
कि जो काम हम करते हैं, जो कुछ हम मेहनत करते हैं, जो कुछ परिश्रम करते हैं, उसमें कोई लाभ नहीं है, परंतु परमेश्वर की काम को देखने से, परमेश्वर की हर एक एक बात को ध्यान से हम सुनने से हमारे जीवन में ताकत मिल सकता है, हमारे जीवन में आनंद इस संसार में मिल सकता है, परंतु एक दिन परमेश्वर के राज्य में भी जाने के लिए वो वचन आपको ताकत देता है। इसलिए उसने बोल रहा है परमेश्वर की काम पर दृष्टि कर करके। और भी आगे एक अच्छा सा वचन लिखा है, क्या परमेश्वर की काम को दृष्टि किया है, सुलेमान ने इस परमेश्वर को कैसा दृष्टि किया है करके मैं कुछ बात को आपके सामने रखने के लिए जाता हूं। क्योंकि आजकल हम संसार में जो हो रहा है उसके ऊपर दृष्टि करते हैं, हमारा दोस्त क्या करता है उसके ऊपर दृष्टि करते हैं, हमारा मालिक जो करता है उसके ऊपर दृष्टि करते हैं, और कोई जाने वाले और कोई फिल्म में देख रहे हैं, फिल्म में जो एक्टर जो करता है उसके ऊपर दृष्टि करके हम करने के लिए जाते हैं। परंतु सुलेमान ने सब कुछ इस संसार में देखा है, ज्ञानवान व्यक्ति है, इतना ज्ञान है परमेश्वर ने दिया है, उसने बोला है परमेश्वर की काम पर दृष्टि करने की अवश्य है। आज आप हम अंतिम समय के अंदर आए हैं, इस संसार में इतना समस्या के बीच में जीवन बिताने वाले हम सब है। आज हमारे जीवन में एक चीज की हमें ये होना जरूर है, हम भी परमेश्वर की दृष्टि करने की काम पर दृष्टि करने की अवश्य है। हम बोलेंगे सबोपदेश की बुक में 3 अध्याय उसकी 11 वचन को हम पढ़ेंगे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया, उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर, अपने अपने समय पर वो सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, अनादि और अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया, आदि से अंत तक, वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता है। इस वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर को काम पर दृष्टि करना है, क्या काम परमेश्वर करता है। लिखा है सब चीज को उस समय के अनुसार परमेश्वर करता है, उस परमेश्वर को हमें देखना है, उसकी काम क्या समय पे क्या करना है उस समय पर परमेश्वर करने वाला है। पिछले वचन को आप पढ़ेगा तो लिखा है हर एक एक चीज को एक वक्त रहता है, खाने के लिए एक वक्त है, पीने के लिए एक वक्त है। इस वचन में अच्छा सा लिखा है, आप पहला वचन से 8 तक पढ़ेगा तो लिखा है एक एक समय दिया गया है करके लिखा है, एक एक काम का एक समय होता है। परंतु लिखा है हमारा परमेश्वर सबको हर एक एक समय, वापस वो इस वचन को पढ़ेंगे 2:11 को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा सा लिखा है। हमारा परमेश्वर ने ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर, अपने अपने समय पर सुंदर होते हैं, सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में, मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर ने किया है, वह आदि से अंत तक, आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता है। आज इस वचन में लिखा है परमेश्वर ही वक्त को, समय को अपनी इच्छा के अनुसार करने वाले हैं। आप हम समय को कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा टाइम अभी आप देखते होंगे, देखा होगा अभी जो समय है, परमेश्वर ने समय को कंट्रोल करने वाला है। जो ये मत सोचें मेरे पास और 10 साल है, मेरे पास और 20 साल है, मेरा उम्र जवानी उम्र है, मैं और ऐसा करूं ये करूं, मत सोचें। इस वचन में लिखा है परमेश्वर समय को कंट्रोल करने वाला है, समय को परमेश्वर ने राज करता है। इसलिए सुलेमान ने बोलता है इस परमेश्वर की काम पर दृष्टि करना है। और भी एक वचन को पढ़ेंगे नेक्स्ट, आप सब उपदेश की बुक में 8 अध्याय से 7 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए, मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है, बहुत भारी होता है, नहीं जानता, और मनुष्य नहीं जानता है क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कब होगा, या उसको कौन बता सकता है, इसको कौन बता सकता है। याद रखें मेरा परमेश्वर वक्त को कंट्रोल करने वाला है, समय को आप हम कुछ नहीं कर सकता है,
परंतु जो परमेश्वर ने समय दिया है उस समय को आप पहचानने के लिए उस परमेश्वर की काम को देखना है। इस समय में परमेश्वर क्या काम करता है मेरे जीवन में। फिर भी इस वचन में लिखा है हम मनुष्य तो जानता नहीं है परंतु आप हम इस परमेश्वर को देखने की वजह से आपको पता चलेगा ये समय में क्या करना है, ये समय को कैसा प्राप्त करना है, इस समय में आप हम क्या करना है, कैसा आपको मिल सकते हैं, इसकी भविष्य परमेश्वर के काम को देखने से मिल सकते हैं। हमारा परमेश्वर समय को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। दूसरा एक वचन को भी आप पढ़ सकते हैं, वचन संगीता की बुक में लिखा है, दाऊद भी इसके बारे में अच्छा सा बता रहा है। वचन संगीता की बुक है 77 है, उसकी 8 और 9 वचन को हम पढ़ेंगे। वचन संगीता की बुक है 77 8 और 9 हम पढ़ेंगे। क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही, क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्कल हो गया है, उसकी वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्कल हो गए हैं। क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया, क्या अपने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है। मैंने कहा यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। इस वचन में लिखा है, दाऊद ने बोल रहा है इतना समय तक परमेश्वर ने मुझको छोड़ दिया है, मुझे दया नहीं करता है परमेश्वर करके वो सोच रहा है और उसने बोल रहा है परमेश्वर की काम पीढ़ी से पीढ़ी तक रहता है क्योंकि समय को बनाने वाला परमेश्वर वो ही है। उत्पत्ति की बुक में आप पढ़ते हैं परमेश्वर ने वक्त को करने के लिए निर्णय करने के लिए सूर्यमा चंद्रमा को परमेश्वर ने बनाया है। वक्त परमेश्वर की आत्मा में है। आज याद रखें इस परमेश्वर की देखने की अवश्य है। आप अपने टाइम को देखें हर दिन आपके जीवन में चलाता है परंतु इस समय को बनाने वाला परमेश्वर को देखने के लिए टाइम नहीं है। बाकी चीज को देखने के लिए हमारे पास वक्त मिलता है, बाकी काम करने के लिए वक्त मिलता है परंतु परमेश्वर की काम को देखने के लिए वक्त को जो बनाने वाला परमेश्वर को देखने के लिए हमें वक्त नहीं है। आज परमेश्वर की इस वजन में आप पढ़े हैं सुलेमान कितना ज्ञानवान उसने बोल रहा है सब कुछ समय के अनुसार करने वाला मेरा परमेश्वर यीशु है। आज इस परमेश्वर को याद करें, इस परमेश्वर को देखने के लिए अर्पण करें। और दूसरी बात आप देखेंगे सब उपदेशक की बुक है 3:14 मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता ना उसमें घटाए जा सकते हैं। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने दूसरा एक लिखा है हमारा परमेश्वर जो कुछ करता है वह सदा स्थिर रहता है। हमारा परमेश्वर सब कुछ परमानेंट के रखने के लिए जाता है, उसकी काम परमानेंट है। आपकी काम मेरे काम टेम्पररी के लिए होता है परंतु इस वचन में लिखा है परमेश्वर जो कुछ बनाता है वो हमेशा के लिए रहता है। इसलिए उस परमेश्वर की काम ऐसा है टेम्पररी नहीं है, उस परमेश्वर की काम परमानेंट करके हम देख सकते हैं। और इसलिए लिखा है मनुष्य को परमेश्वर ने लिखा वापस उस वचन को पढ़ेंगे 14 को बहुत अच्छा सा लिखा है कि जो कुछ परमेश्वर करता है सदा स्थिर रहेगा ना तो उसमें कुछ बढ़ाए जा सकते हैं और ना कुछ घटाया जा सकता है परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। आज याद रखें प्रभु जो करता है हमेशा वो रहता है, परमानेंट रहता है। और लिखा है उससे कोई कुछ बढ़ा नहीं सकता है, उसको कोई घट भी नहीं सकते हैं। याद रखें आपके काम अगर करेगा तो उसको कोई दूसरा बड़ा होकर और कोई कर सकता है। आपके काम अगर बड़ा है दूसरा आपसे कोई छोटा कर सकते हैं कम कर सकते हैं परंतु बाइबल बतलाती है मेरा परमेश्वर कुछ काम किया है उसको कोई बढ़ा नहीं सकते हैं उसको कोई छोटा भी नहीं कर सकते हैं घट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा परमेश्वर है। आज आप हम इस परमेश्वर के काम को देखने की अवश्य है। उसकी काम निरंतर रहता है परमानेंट रहता है। इस छोटा सा
नाश होने वाले चीज के पीछे आप हम भाग रहे हैं, इस नाश होने वाले चीज के ऊपर हम विश्वास रख के हम भाग रहे हैं, परंतु इस बाइबल के वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर जो कुछ करता है वो हमेशा स्थिर रहने वाला है। आज उस परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करेंगे, लिखा है मनुष्य उस परमेश्वर को डर सकते हैं। आज मनुष्य के अंदर परमेश्वर के बारे में डर नहीं है, क्यों? परमेश्वर के काम को देख नहीं जाता है। परमेश्वर के काम को देखेंगे जरूर हम डर सकते हैं। आप ध्यान से चेक करेंगे जो परमेश्वर किया है वो स्थिर रहता है। और एक वचन को पढ़ेंगे, दाऊद के वचन संगीता की बुक है 146 से और 10 हम पढ़ेंगे। वचन संगीता 146 6 और 10, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 146 6 एंड 10। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें से जो कुछ है सबका करता है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहता है। सियोन यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर है, पीढ़ी राज्य करता है। इस वचन में लिखा है, दाऊद ने अच्छा सा इस वचन में बोल रहा है, हमारा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी तक राज करने वाला है। वो जो सोचता है वही हो सकता है आपके जीवन में। अगर उसकी जो काम है वही इस संसार में हो सकता है, उसके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आसमान जमीन उस परमेश्वर ने बनाया है। उस परमेश्वर सदा तक राज करने वाला है। और भी एक वचन हम पढ़ेंगे, वचन संगीता की बुक है उसकी 48 है उसकी 14 वचन को हम पढ़ेंगे, उसमें भी अच्छा सा लिखा है। वचन संगीता द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 48 वर्स 14, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, सदा सर्वदा रहने वाला हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा, हमारा अगुवाई करेगा। ये बात को याद करें, हमारा परमेश्वर सदा तक रहने वाले हैं, मृत्यु तक आपको हमको अगुवाई करने वाला है। इतना बड़ा परमेश्वर है, उसकी काम को देखने की अवश्य है। और एक बात हम पढ़ेंगे सभोपदेशक की बुक में 5:19-20 हम पढ़ेंगे, सभोपदेशक 5:19-20 हम पढ़ेंगे। वरन हर एक मनुष्य जिससे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपनी भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो यह परमेश्वर की वरदान है इस जीवन के दिन उसे बहुत सिमरन ना रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है, सुन के उसके मन में आनंद को रखता है। तीसरा एक बात इस वचन में सुलेमान ने परमेश्वर के काम को बता रहा है, वो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को धन और सब कुछ संपत्ति देने वाला परमेश्वर है। और लिखा है केवल वो नहीं देता है, उसके साथ आनंद भी देता है। किसी के पास बहुत धन होगा, दौलत होगा और संपत्ति होगा, परंतु दिल में शांति नहीं होगा, उसके परिवार में इतना समस्या होगा, इसकी वजह से आनंद नहीं हो सकता है। परंतु परमेश्वर के वचन में सुलेमान ने बोल रहा है, मेरे परमेश्वर की काम ऐसा है, वो संपत्ति भी देता है, आपको हर वरदान भी देता है, और उसके साथ आनंद से जीने के लिए अधिकार मेरा परमेश्वर देता है। इस काम को देखने की अवश्य है। हमारा परमेश्वर ऐसा आपको हमको जो संपत्ति मिले हैं, आपको हमको जो कुछ मिल रहा है, और कोई व्यक्ति से और इस संसार से नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की काम है आपके जीवन में देने के लिए। इसलिए हमें परमेश्वर को देखने की अवश्य है, उसकी काम को देखने की अवश्य है। कुछ लोग के पास संपत्ति है, कुछ लोग के पास पैसा है, परंतु भूल जाते हैं ये संपत्ति किधर से आया है, ये संपत्ति किसने दिया है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं करके इसके लिए हम सोचने के लिए वक्त नहीं रहता है। आज किस वचन में लिखा है सब उपदेशक में, और एक वचन आप पढ़ेंगे 11 अध्याय में सुलेमान ने अच्छा सा बता रहा है। 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे,
सभा उपदेश 11:1-2 को हम पढ़ेंगे। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। इसलिए बोल रहा है दान दौलत सब कुछ संपत्ति परमेश्वर ने दिया है, आपकी जो आज खाना मिलता है, आपको जो पीने के लिए मिलता है वो परमेश्वर ने देता है। इसलिए इस वचन में लिखा है तेरा अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उससे फिर पाएगा। सात वरना आठ जनों को भी बांट दे क्योंकि तू नहीं जानता है पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़े। याद रखें ये दान संपत्ति सब कुछ परमेश्वर ने देता है, यही उसकी काम है, उसमें आनंद भी उस परमेश्वर देता है। इसलिए आप हम इस परमेश्वर को काम को जानने के लिए सभा उपदेशक में अच्छा सा लिखा है, हम सुलेमान ने अच्छा सा इस बात को बता रहा है इस बुक में लिख, उसने बोल रहा है आपने क्या करना है, बांट के देना है, शेयर करना है। क्यों, क्या विपत्ति हो सकता है इस संसार में, मालूम नहीं किसी को भी, किसी कोई भी जान नहीं सकते हैं। इसलिए एक चीज को याद करने की आवश्यकता है, अगर आप परमेश्वर के काम को देखेंगे आप जानेंगे ये संपत्ति प्रभु ने दिया है। इसलिए मैं दूसरा को उसको जो बनाया हुआ दूसरा मनुष्य को मैं देने से मेरे जीवन में और भी आनंद देने वाला मेरा प्रभु है। इस परमेश्वर को आप जान सकते हैं, इसलिए इस वचन में लिखा है आप बांट के देखें। 7 और 8 लिखा है, इसके मतलब बहुत लोगों को मदद करने की जरूरत है, बहुत लोग को आप परमेश्वर की संपत्ति को आप बांटने की आवश्यकता है ताकि आपके जीवन में आनंद मिल सकता है। यही मेरे परमेश्वर की काम है, इसको जानने की आवश्यकता है। 14 एक बात मेरे साथ खोलें, सभा उपदेशक की बुक में 11:9 पढ़ेंगे, 11:9 हम पढ़ेंगे। हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। अपनी आंखों की दृष्टि इस संसार में रखते हैं और कोई चीज के ऊपर रखते हैं उसके अनुसार आप चले, परंतु यह जानकर इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। लास्ट एक बात मैं आपको सामने रखने के लिए जाता हूं, परमेश्वर की काम को ऊपर दृष्टि करना है, कैसा वो काम करता है, न्याय करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, न्याय करता है। और भी वचन हम पढ़ेंगे 12 अध्याय में सेम बुक में सभा उपदेशक में 12 अध्याय में उसके 14 वचन को हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा सा लिखा है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को चाहे वो बली हो या बुरी न्याय करेगा। ये बात को हमें परमेश्वर की काम को देखने की आवश्यक है। आप गुप्त में कुछ करता होगा, आप अंदर से कुछ सोचता होगा, अंदर से कुछ आप रखता होगा, परंतु परमेश्वर के वचन बतलाते हैं आपकी मेरा परमेश्वर ये सब बात को देखने वाला है। बाइबल में लिखा है मनुष्य अपना चेहरा को दूसरा की चेहरा को देख के पता चलता है, मनुष्य के बारे में अंडरस्टैंड करता है, परंतु बाइबल बतलाती है हमारा परमेश्वर मनुष्य की हृदय को बात को जानता है। क्यों, हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला है, देखने वाला चीज परमेश्वर अंदर की बात को देखता है। इसलिए इस वचन में लिखा है हर एक गुप्त बात को परमेश्वर एक दिन न्याय करने वाला है। और भी एक वचन हम पढ़ेंगे 12 अध्याय में आप देख सकते हैं 12 अध्याय में 7 वचन में आप पढ़ेंगे, 7 वचन में लिखा है इसलिए हमें इस परमेश्वर की सिमरन करने की आवश्यकता है करके लिखा है, पढ़ेंगे 12:1-7 हम पढ़ेंगे। तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, एक दिन मिट्टी मिट्टियों में से मिल जाएंगे, और आत्मा परमेश्वर के पास, जो परमेश्वर आपके अंदर आत्मा दिया है वो आत्मा भी एक दिन परमेश्वर के पास से जाना है, जिसने उससे दिया है लौट जाएंगे। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ है सब कुछ व्यर्थ है। सुलेमान ने इस वचन में अच्छा सा बता रहा है मनुष्य जो मिट्टी से बनाया हुआ है उस मिट्टी भी मिट्टी के साथ एक दिन मिल जाएगा, और उसने बोल रहा है परमेश्वर जो आत्मा दिया है आपके अंदर जीवन दिया है वो आपकी कंट्रोल में नहीं है, वो भी परमेश्वर एक दिन उसके पास ले जाने वाला है। वो परमेश्वर क्या करता है
न्याय करता है, सबको न्याय करने वाला वो परमेश्वर है। और लिखा है इसलिए उस वचन में 12 अध्याय में एक वचन में अच्छा सा लिखा है, पढ़ेंगे एक वचन को हम पढ़ेंगे, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को सिमरन कर, जिससे पहले विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए, वे ऐसा वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता है। लिखा है आगे भी आप पढ़ के देखेगा तो लिखा है ऐसा समय आने से पहले हमारा परमेश्वर की न्याय की काम को जानने की अवश्य है। आपकी जीवन में, मेरे जीवन में हर दिन सोचने की अवश्य है, मेरा परमेश्वर न्याय करने वाला है, न्याय करने की काम उसकी आत्म में है, इसलिए हमने इस परमेश्वर को सिमरन करने की अवश्य है। और भी वजन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य की बुक में लिखेगा तो अंत में एक अच्छा सा वजन लिखा है 22 अध्याय उसकी 11-12 हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की बुक है उसकी 22 अध्याय 11-12 हम पढ़ेंगे, द बुक ऑफ रेवोल्यूशन चैप्टर 22:11-12। जो अन्याय करता है वह अन्याय करता रहे और जो मलिन है मलिन बना रहे और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे और जो पवित्र है पवित्र बनाए रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। याद रखें, जो काम आप करें उसको प्रतिफल देने के लिए मेरा यीशु आने वाला है। इसलिए लिखा है जो पवित्र है और पवित्र में चलें, जो धर्मी है और धर्मी बने, जो शुद्ध है और शुद्ध बने, जो न्याय करने वाले और न्याय करें, जो अन्याय करने वाले हैं और अन्याय करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है इस परमेश्वर की काम को जानने की अवश्य है। और भी एक वचन में अच्छा सा लिखा है योहन्ना का इंजिल में 5वां अध्याय आप हमारे साथ खोलें, योहन्ना का इंजिल 5वां अध्याय 27-28 तक हम पढ़ेंगे, 29 तक हम पढ़ेंगे। योहन्ना का इंजिल 5वां अध्याय 27-29। वरना उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, मेरा परमेश्वर को न्याय करने की अधिकार दिया गया है, इसलिए कि वो मनुष्य के पुत्र है आपके लिए मेरे लिए इस संसार में पुत्र बन के प्रभु यीशु मसीह आया है, अपनी जीवन दिया है, अपने आप को सलीब में बलिदान दिया है ताकि आप हम पवित्र बनने के लिए प्रभु ने ये काम किया है। लिखा है इससे अचंभा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वो भी उसके शब्द सुनकर निकल आएंगे जिन्होंने भलाई किया है जीवन की पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई किया है दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ध्यान से इस वचन को पढ़ें, सुने, आप सुने हैं अच्छा सा, थोड़ा सा इसके बारे में सोचें। लिखा है मनुष्य जो कुछ किया है, भला किया है बुराई किया है, दोनों को फल देने वाला मेरा परमेश्वर है। लिखा है वो न्याय करने वाला है। लिखा है आज वो कुछ लोग सोचे होंगे कितना दिन मैं जीवन बिताता हूं, मेरे मर्जी से मैं चलें, क्या हो सकता है, क्या इसमें मैं अच्छा करने से क्या होता है, बुरा करने से क्या होता है करके सोच के लोग चलते हैं। परंतु पवित्र वचन बतलाती है आप आज जिंदा है फिर भी आपको बदला देने के लिए परमेश्वर एक दिन आने वाला है, और आप मर भी गया है, आपके कब्रस्तान में हो, फिर भी परमेश्वर आपको उठा के न्याय करने वाला है। इस बात को याद करें, यही परमेश्वर की कार्य है। और भी एक वचन पढ़ के अमंत करने के लिए जाएंगे, आप खोल सकते हैं सबोपदेशक की बुक में 12 अध्याय वापस हम जाएंगे, उसकी 12:8 को पढ़ेंगे, सब व्यर्थ है करके उसने बोला है, पढ़ेंगे 12:12। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर की इस वचन में लिखा है आज आप हम याद करने की अवश्य है,
जो कुछ हम करते हैं एक दिन नाश होने वाले हैं, व्यर्थ है। हमारा आत्मों से जो काम है थोड़ा समय के लिए है, एक दिन उस काम को आप देख नहीं सकते हैं, परंतु परमेश्वर की काम हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा बना रहता है। आज उस परमेश्वर की काम के ऊपर आप दृष्टि करने के अवश्य है। आप इस संसार की और किसी के ऊपर दृष्टि करने के लिए नहीं है, परमेश्वर के काम के ऊपर दृष्टि करें, आप किसी चीज को डरेंगे नहीं है। क्यों? आप जानना है मेरा परमेश्वर ही देता है, वही मेरे स्थिर रखने वाला है, मेरा परमेश्वर ही वक्त को बनाया है। यह सब कुछ आप जानेंगे, किसी के भी आप चिंता नहीं करेंगे। क्यों? परमेश्वर को, उसकी काम को आप देखते हैं। और लिखा है, आप पढ़ सकते हैं दूसरी अध्याय को, सब उपदेशक में दूसरी अध्याय 26 को लिखा है, उस परमेश्वर आपको भी देखता है, उस परमेश्वर आपकी काम को भी देखता है। आप देख सकते हैं, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता, उसको बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को दुख भरा काम ही देता है, कि वह उसके देने के लिए संचय करके देर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, सुलेमान ने इस बुक में सब कुछ चेक करके, सब कुछ देख के इसने इस वजन में, इस बुक में, पवित्र शास्त्र में लिखा है उसके बारे में। आज आपको, हमको इस दिन में याद करने की अवश्य है, इस दिन में सोचने की अवश्य है, मेरा परमेश्वर के काम पर दृष्टि करने की अवश्य है। आज आपकी दृष्टि किसके ऊपर है? इस समस्या के बीच में आप दृष्टि करना है परमेश्वर के काम के ऊपर। क्यों? वक्त जो जा रहा है, वक्त जो वेस्ट हो रहा है करके आप सोचे होंगे, इसके बारे में चिंता नहीं करें। क्यों? वक्त को बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। इसलिए दाऊद ने बोला है, परमेश्वर की अजूरी में मैं एक दिन बैठना मेरे लिए एक हजार दिन की सम्मान है। परमेश्वर की भवन में परमेश्वर की काम को देखने से आप देख ले, कैसा इस परमेश्वर की काम को देख सकते हैं। आपके हाथों में पवित्र शास्त्र दिया है, उसको अच्छा सा पढ़ें और अच्छा सा उसके बारे में आप हर दिन ध्यान करें, इस परमेश्वर की काम को देख सकते हैं। आप घुटना टेक के प्रार्थना करें, परमेश्वर से बातचीत करें, उसके काम को देख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, आपके जीवन में आनंद और एक भरोसा मिल सकते हैं, मैं इस संसार में भी अच्छा जीवन बिता सकता हूं, एक दिन उसके राज्य में भी मैं जा सकता हूं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।